ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप, जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो, क्या कस्टमर्स क्लाइंट्स आपको भी छोड़ के जा रहे हैं एक दो महीने में? आप सोच रहे हो कि एक क्लाइंट हमें मिल गया लेकिन एक दो महीने में वो क्लाइंट गायब? क्या आपको लग रहा है कि आपको क्लोजिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फॉलो अप, जिसके वजह से आपको एक हेवी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, चीप प्राइस में कस्टमर क्लोज हो रहा है? अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं सलूशन देने वाला हूं। आप अपने बिजनेस में ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजिक चेंजेस लेके आ सकते हो, अपने माइंडसेट पे, अपने कंप्लीट मेथोडोलॉजी में ऐसे क्या क्या चेंजेस लाके आओगे इन कमिंग 2 to 3 months, ताकि आपका बिजनेस चेंज हो जाए, कस्टमर आपके साथ लंबा टिकेगा भी, आपको हाई टिकट प्राइस पे करेगा भी, और आप भी खुशहाल रहोगे, आपके टीम मेंबर्स, आपके फ्रीलांसिंग टीम, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी एंड फुलफिलिंग। सो Without any further ado, let's get started. लेकिन अगर हमारे चैनल पे नए हो, then please do consider subscribing, क्योंकि digital marketing services industry के अंदर this is the only channel, no clickbait, no dream selling, जो भी real time services industry के अंदर चल रहे हैं, उन सारे चीजों के बारे में updates, tutorials, tips, tricks, strategies and motivation, of course, आपको real time information आप तक हम पहुंचाते हैं। We are the only channel under the sun. अगर आप एक freelancer बनना चाहते हो, digital marketing industry में अपना career begin करना चाहते हो, एज ए प्रोफेशनल अगर एजेंसी चला रहे हो और स्टक हो अपने जर्नी में, देन दिस पर्टिकुलर चैनल इज फॉर यू। अगर पुराने हो तो यार थोड़ा सा लाइक करो, कमेंट करो, मोटिवेशन मिलता है। इट्स मंडे मॉर्निंग, मेकिंग द वीडियो ओनली फॉर यू, सो वी नीड मोटिवेशन। सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स गो टू द मेन इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। चीजों को ना हम लेट अस अंडरस्टैंड, हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। देखो, क्लाइंट छोड़ के भाग रहा है, क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा वो डिस्काउंट मांग रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, तो ये सारे आउटकम्स हैं, राइट? हम अगर रूट कॉज एनालिसिस को अगर हम पकड़े कि ये सारी चीजें हो क्यों रही है, ये तो भाई आउटकम है, ये सब कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज के पीछे देयर आर सर्टन कॉज। उस कॉजेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लीड्स जिसे आप क्लोज कर रहे हो और जो आपके बिजनेस से चर्न हो रहे हैं या जो आपको छोड़ के भाग रहे हैं, या ऐसे लीड्स जो बहुत बैक एंड फोर्थ करते हैं, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांगते हैं, जिसके साथ काम करने के बाद आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो, आप जस्ट अपना गुजारा कर रहे हो, ये जो लीड्स है ना, ये जो इंक्वायरी आते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस लीड्स? अगर आप देखोगे यहां पे आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। मोस्ट ऑफ दिस लीड्स कम फ्रॉम कोल्ड मार्केटिंग, यानी कि आप कोल्ड डाटाबेस को ईमेल कर रहे हो, सेल्स ईमेल, या तो आप कोल्ड कॉल कर रहे हो कोल्ड डाटाबेस को, या तो आप रिफरल पे, आप यू नो डिपेंडेंट हो रिफरल पे, कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आपको कोई रिफर कर दिया, कोई मार्केट प्लेस है जैसे अपवर्क, फाइबर, दस्टाइल, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंडेंट हो। वट एवर गाइज, दीज आर द सोर्सेस ऑफ द लीड्स। That means ये जो leads होते हैं, इसे technically business term में हम कहते हैं cold lead, and the cold lead का अगर definition समझोगे होता क्या? These are unqualified leads. Unqualified leads यानी के low quality leads. देखो qualified जो term है वो आया कहाँ से है? Quality से, right? These are non-qualified leads. यानी के these are non-SQL, business में कहते हैं non-sales qualified lead, यानी के वो business में आपके साथ collaborate होने के लिए mentally and business angle से वो तैयार नहीं है, they are not sales qualified lead, फिर भी वो आपके साथ काम क्यों करते हैं? You push a lot, आप बहुत ज़्यादा push करते हो, आप बहुत ज़्यादा follow up करते हो, आप beg करते हो, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, किसी स्ट्रेंजर को कॉल पे आप प्रूव करते हो कि आप उनको हेल्प कर सकते हो, यू क्रिब, यू क्राई, एंड यू इवन गिव heavy discount, it is the reason they work with you. ये जो unqualified leads होते हैं ना, समझो चीजों को ना, fundamentally से अगर समझोगे ना, एक business grow कर पाओगे, right? इस video को अंत तक देखो। ये जो low quality cold leads होते हैं, जब आप उनसे बातें करते हो या उनको communicate करते हो via an email और via an call, whenever you meet them for the first time, they lack need, उनका need नहीं होता है, आपको पता नहीं है कि उनके business में वो need generate है कि या नहीं, उनको वो desire है भी या नहीं, they have a very low level of urgency, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, इतना क्रिटिकल नहीं है कि वो उसे अभी सॉल्व करे। प्लस यू आर एब्सोल्युटली अ स्ट्रेंजर टू देम, क्योंकि आपने उनके साथ पास्ट में कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं किया है, यू हैव नॉट, आपने उनके उनके लाइफ में ऐसा कोई अपने सोल्यूशन के अराउंड कोई अवेयरनेस बिल्ड नहीं किया है, दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रेंज एंड दे आर नॉट लॉयल, यानी कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। दे स्टार्ट द जर्नी विथ लैक ऑफ नीड, लैक ऑफ अर्जेंसी एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। जब कोई भी कस्टमर लैक ऑफ नीड, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ अर्जेंसी से कोलैबोरेशन बिगिन करता है, दे बाय योर सर्विसेज विथ ए वेरी लो लेवल ऑफ कमिटमेंट विथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। समझ लो इसका मतलब क्या है। दे स्टार्ट द डील विथ ए वेरी लो लेवल ऑफ कमिटमेंट विथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लो लेवल ऑफ कमिटमेंट यानी कि वो आपको सिर्फ एक
टोकन मनी दे रहे हैं जो कि एक उनका एक फिजिकल कमिटमेंट है, लेकिन अभी तक उनका मेंटल कमिटमेंट आज तक बिजनेस में नहीं आया है। जो भी आप उनके साथ सर्विसेज के लिए कोलैबोरेट किए हो वो फिजिकल आ गए लेकिन मेंटली नहीं आ पाए। इट इज द रीजन दे डोंट इवन यू नो गिव यू अ। जब आप उनको कोई डेटा मांगते हो कहोगे सर इमेजेस चाहिए, मैं बिजी हूँ कहेगा। सर मीटिंग चाहिए, मैं बिजी हूँ कहेगा। कोई डेटा चाहिए तो कहेगा तू वेंडर है, तेरे को हायर कर, तू सारा चीज कर। दे डू नॉट स्टार्ट विद अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। और जब कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझ नहीं पाता है तब वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को एक कॉस्ट की तरह लेता है। उसको लगा कि ये खर्चा है, जो आपको पैसे देता है ना उसको लगता है कि ये खर्चा है। लेकिन अगर बिजनेस एंगल से अगर कोई सोच रहा है जिसे एक्चुअली में स्टार्ट करना है एक सीरियस बिजनेस, उसे पता है कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग लीड जनरेशन का क्या वैल्यू है, उसे कॉस्ट नहीं, वो उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मार्केटिंग इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स देखो, ये सारा चीज जब इन द बिगिनिंग ऑफ योर कोलैबोरेशन हो जाता है, दे स्टार्ट द कोलैबोरेशन विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, दे स्टार्ट द कोलैबोरेशन विद इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, दे स्टार्ट विथ ट्रायल मोड, यानी कि यार चलो दे लेते हैं, यार इतना कुछ पुश कर रहा है, देख के देख लेते हैं यार 5-10 हज़ार रुपए क्या आउटकम आता है। जब इस तरह के माइंडसेट के साथ अगर आप एक क्लाइंट को अगर क्लोज कर भी देते हो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, अभी खुलासा करने वाला हूं कड़वा सच, दे विल नेवर कोऑपरेट। स्क्रीन पे देखो, दे विल नेवर कोऑपरेट, दे विल ऑफन ब्लेम यू ऑन एवरी पेटी इश्यूज, एवरी सेकंड डे दे विल आस्क यू फॉर आरओआई। एसईओ चला रहे हो, सेकंड डे आके पूछेगा लीड कहां है। एड्स चला रहे हो, पूछेंगे कि लीड्स कहां है, राइट, इन द सेकंड डे इटसेल्फ। दे डोंट वैल्यू योर सॉल्यूशंस, दे डोंट वैल्यू योर एफर्ट्स, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज, दे नीड ओवरटाइम सक्सेस। जब इस तरह के सारे चीजों या तो आप कहूंगा कि इस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ जब काम करोगे ना, आप एक हाई प्रेशर मोड में आ जाते हो। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आते हैं, रात 2-2 बजे आते हैं मैसेजेस कि सर क्या करूं। रूट कॉज को समझो, हाई प्रेशर मोड में जब काम करते हो ना एज ए मार्केटर, यू लूज क्रिएटिविटी, एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी यार। तुम ईमेल मार्केटिंग करो, तुम कॉपी राइटिंग करो, लैंडिंग पेज बनाओ, वेबसाइट बनाओ, लोगो बनाओ, इट्स ऑल अबाउट यू लूज क्रिएटिविटी। जब आप क्रिएटिविटी लूज करते हो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल डू अ लॉट ऑफ एरर्स। आपको पता भी नहीं होगा जब आप प्रेशर पे काम कर रहे हो, बहुत सारे टेस्टिंग से लेकर के बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन से लेकर के आप एरर करोगे। आप अटेंशन टू डिटेल्स कभी दे नहीं सकते, यू कैन नॉट गिव अटेंशन टू डिटेल्स इन हाई प्रेशर मोड, यू विल फेल टू प्रोवाइड दे मारो आई। आप जितना भी कंसल्टेशन ले लो, जितने भी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, आप आगे जाके गलती करोगे ही, क्योंकि आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो कंप्लीटली आप पे डाउट कर रहा है, आपके वैल्यू ऐड को वो क्वेश्चन कर रहा है, दिन भर आपको प्रेशर में रख रहा है, राइट, यू फेल टू प्रूव आरओआई, क्योंकि आप उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हो। इससे आप और आपका टीम दोनों के दोनों मोटिवेशन लूज करते हो। ये कोई बिजनेस डील नहीं होता, आप कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेशन मोड में आ रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन मोड में आ रहे हो, समझो चीजों को, एक्सप्लॉयटेशन मोड में आ रहे हो। इससे होगा क्या, आपके फ्रीलांसर्स भी अलग काम ढूंढेंगे, आपके एम्प्लॉइज भी प्रेशर में आएंगे, वो भी अलग काम ढूंढेंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर यू ऑल्सो लूज मोटिवेशन। तो गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्टॉप सेलिंग टू कोल्ड लीड्स, स्टार्ट एजुकेटिंग टू द कोल्ड लीड्स। आप करते क्या हो, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने अपना नीश ऑडियंस रियल एस्टेट वालों को ढूंढ लिया कि दिस रियल एस्टेट इज माय नीश। बहुत लोग तो नीश पे भी काम नहीं करते, वो तो सबसे बड़ी गलती है। नीश ढूंढ लिया कि रियल एस्टेट एजेंट्स को मैं टारगेट करूंगा एंड आई विल सेल माय फेसबुक एड सर्विसेज। उनको सेल मत करो, उनको सबसे बार पहली बार आप जो उनके कम्युनिकेट करोगे उनको एक गाइड बुक दो। हियर से क्विक गाइड बुक हाउ फेसबुक एड्स कैन हेल्प यू टू डबल योर लीड काउंट इन नेक्स्ट 30 डेज, डाउनलोड द फ्री रिपोर्ट नाउ। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर आप एक रियल एस्टेट लीड क्लाइंट बेस को आप टारगेट कर रहे हो, आप एक केस स्टडी भेजो, मीट सारा एंड नो हर रियल एस्टेट सक्सेस विद 30% इंक्रीज इन लीड काउंट, डाउनलोड द केस स्टडी नाउ। डिस्कवर 21 वेज हाउ अ रियल एस्टेट बिजनेस कैन डबल देयर सेल्स इन नेक्स्ट 90 डेज, डाउनलोड द आर्टिकल राइट नाउ। तो ब्रो इस पे हो क्या रहा है, आप सबसे पहले उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हो एंड द पीपल दोज हु कंज्यूम या दो पीपल दोज हु डाउनलोड दैट कंटेंट, उन्होंने अपना डिजायर दिखाया कि मेरे को डिजायर है। किसी ने आपके इस तरह के वेबिनार को अगर आके अटेंड किया, उन्होंने अपना नीड दिखाया, मुझे नीड है, राइट, दैट मीन्स द पीपल दोज हु कम ऑन बोर्ड बाय कंज्यूमिंग सम ऑफ योर इंफॉर्मेटिव पीसेस ऑफ कंटेंट, दे आर सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। They have need, they have urgency and they also have trust. यानी कि वो आपके साथ अगर काम करना begin करेंगे, that means they will start the journey with high level of commitment.
एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उनके साथ आपका जोड़ी लंबा जाए। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ, अगर आपको शादी करनी है, कर ले प्रपोज मारते जाओगे लास्ट में वो बोलेगी चल यार कर लेते हैं, 3 महीने में ब्रेकअप, है ना, होता है ना दोस्त। यू नीड टू अंडर एवरी रिलेशनशिप शुड बिगिन विद हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो इससे करना क्या है, यू हैव टू लर्न मार्केटिंग फॉर श्योर, यू आर ए मार्केटिंग पर्सन फर्स्ट, देन वट एवर यू डू फॉर योर लिविंग। ये सारा चीज अगर आप करोगे आप अपने बिजनेस में हाई रिटेंशन प्लस those who are high ticket, वो हमेशा रिसर्च, वो हमेशा बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, बहुत सारे चीज़ों के अंदर रिसर्च करने के बाद, कॉन्फिडेंट होने के बाद वो किसी भी वेंडर को हायर करते हैं। दे डोंट टेक इम्पल्सिव डिसीजन। दैट मीन्स द पीपल हु कम वाया वेबिनार, वाया ए गाइड बुक, वाया ए केस स्टडी, दे आर ऑलवेज हाई क्वालिटी लीड्स। तो स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट एजुकेटिंग। All the best. And the good news is, Admi ने अपना lifetime mentorship program launch किया है। Admi ने अपना lifetime mentorship program launch किया है, which is advanced diploma in digital marketing and business leadership. अगर आप एक individual हो, freelancer हो, agency owner हो, stuck हो अपने business को grow करने के लिए, then this particular video is for you. This particular course program is for you. Number one, 4.5 महीने का live class program. We don't believe on recorded materials, क्योंकि recorded materials पे आपका सारा कुछ material outdated हो जाता है, इतने जल्दी से चीजें changes हो रहे हैं. Number two, largest library management system. Live classes पे जो भी होंगे आपको revision करने के लिए वो आपको मिलेगा on an LMS in an auto upgradable way. नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफटाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स ऑल्सो यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम आवर एंड, राइट। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग, राइट। वी आर जस्ट 1 कॉल अवे, इट ए लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 ईयर्स एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो Admi ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लर्निंग विथ मी डायरेक्टली। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून इन माई लाइव सेशन। द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून।